सुप्रभात कैसे आप हाँ लोग तो आई वापस आ थे और अभी हम जा रहे हैं। इसके बाद हम दोबारा आएंगे आज से शायद हम लोग लाइब्रेरी जाएंगे आएंगे पढ़ने के लिए पर पता नहीं अब ड्यूटी कब लग जाएगी तो मतलब हाँ हम प्लान्स करते लेकिन जिस हिसाब से हमारा जॉब प्रोफाइल है ना हम एक चीज़ पे कांस्टेंट नहीं रह सकती हम इसको रेगुलर करेंगे वो चेंज होता ही रहता है ठीक भी है वैसे भी तो हम चेंज कर ही देते हैं और वहाँ से पीछे से मेरे साथ हरी है। मेरे जिम पार्टनर विशाली सुबह ही फ़ोन कर देती है मेरा चले ये ने देखो नेगी भाई अपने कर लेते <laughs> <laughs> नहीं ऐसी नहीं, <आश्यों>, <laughs> चलो चलते हैं तो भाई अभी सुबह के बज रहे हैं दस और यहाँ पर ऐश्वर्या भी है ऐश्वर्या की के आज कैंपस ड्यूटी है हेलो ऐश्वर्या हाय तो ऐसे बोलती जैसे खांसी इसको देखो पे कितना सुंदर है ना हमारा कितनी प्यार सा हो गया इस जुनगा की बटालियन से देखो यहाँ से नीचे जुनगा स्कूल है वहाँ पे प्रेयर हो रही है और बाकी शायर में पहाड़ पहाड़ और वहाँ पे आप तारा माता मंदिर तारा माता मंदिर चलेंगे इस दिन ठीक है अपने तो दिल में छा गया ये चुनगा बटालियन काफी अच्छी सुंदर जगह है मैं जा रही हूं लाइब्रेरी ऐश्वर्या मैं लाइब्रेरी जा रही था थोड़ी देर थोड़ी देर पढ़ लेती बाय। चलो अभी चलते हैं लाइब्रेरी के लिए क्योंकि मेरे मतलब फ्रेंड्स विशाली वगैरह वहाँ पे पहले ही जा चुके हैं क्योंकि अगला फॉलिन ग्यारह बजे है तो 11 बजे तक चलते हैं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बड़े समय के बाद मैंने मतलब अपनी अंतरात्मा को जगाया कि कुछ नया करते हैं अच्छी जगह है ना ऐसा लगता है किसी राजा के महल में हम बट हम अपनी बटालियन में जाएंगे यहाँ पे राजा का महल भी ऊपर नज़दीक में कहीं लाल यहाँ से ऊपर को माता रानी का, का मंदिर है दुर्गा माता का, का मंदिर है तो गाइज अभी दिन के बज रहे हैं एक और मतलब लंच वगैरह मैंने कर लिया है हम सब ने और उससे पहले फटीक वगैरह थी ये लिया था मैंने कल मेले से ताकि इसमें मेरा सामान आ जाए और आप पीछे देख सकते हो पे छोटा भीम 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 ये लिया था मेले से तो अभी हम गए थे क्या बोलते हैं लाइब्रेरी सुबह तो मैं वहाँ से एक बुक इशू करवा के लाई हूँ तो अभी मैं उसको थोड़ा सा पढ़ूँगी तो वो बुक है पी पी आर यानी कि पंजाब पुलिस रूल्स वो हमारी अपने डिपार्टमेंट की बुक होती है वैसे तो हमारे को वहाँ पर मिली थी पीटीसी में लेकिन वो पूरी बुक नहीं है जो हमारे को पी की बुक मिली है वो पूरी नहीं है इसलिए मैं यहाँ से लेके आई तो इसके बारे में प्रवीण राणा सर जो हमारे इंस्पेक्टर पी टी उन्होंने बताया था तो वही वाली बुक अभी मैं लेके आई अभी उसको पढ़ेंगे थोड़ी देर उससे तो पहले रेस्ट कर लेते पाँच दस मिनट ये भी मेरे साथ ही आ गया मैं गया बोरो प्लस लगा तो अभी बजरे शाम के पांच और पूरा दिन कुछ नहीं करके हमने निकाल दिया शायद यहाँ पे हम ले रहे कंबल अच्छा ना मन कर रहा ना कुछ खाने का मतलब भूख जैसी लग रही कुछ सो के आज हम दिन में सो गए थे ना तो दिन में सो के वो दिल नहीं करता कि यार सो के उठ के एक बार चाय पीनी थी कि मम्मी चाय बना दो चाय बना दो यहाँ तो किसकी मम्मी को देनी है ना आज की चाय बना दो पर ये कि अब कुछ खाने का दिल कर रहा है तो हम जा रहे चाय पीने और समोसे खाने लेकिन ये लोग रास्ते में भी बार्गेनिंग कर रहे हैं क्योंकि ठंड भी आ गई है गा गा। लगाएंगे क्या तुम ही बता दो जिस रेट का तुम्हें लेना है मेरे पास हर कहीं नहीं खाना है यार जहाँ लोग मतलब समोसे खाने आए थे वो भी बंद जहाँ क्या बोलते मोमोज खाने गए थे वो भी बंद अब जाते ऊपर ही अपने कैंटीन में चाय पीते पीते और बनाना शेक इससे बढ़िया था शायद यही मंजूर तो नहीं। अभी तक भी नहीं। हाँ। मेरे को तेरी हाँ, तो आधे दिन की छुट्टी है हाँ ऐश्वर्या ने अपने डिपार्टमेंट में तक एक भी बार छुट्टी नहीं अपनी रोल कॉल हो गई है और मतलब इस टाइम अंधेरा है चारे तरफ हो चुका है और वहाँ पे हम लोगों की मैसेस है वैसे हमारी मैस यहाँ पे लेकिन अभी कुछ हमारी मैस कुल्लू ड्यूटी गई है तो हम लोग नीचे वाली मैस में खाना खाएंगे और तो यहाँ पे ना यार शिमला में बड़ी ठंडी जैसी होगी है ना तो अभी चलते हैं मैस में खाना खाते और उसके बाद चलते हैं ना डिनर संस्कृति शर्मा के साथ मैंने दूसरे चैनल पर वीडियो डाल रखी है अगर किसी ने नहीं देख रखी हो तो वहाँ पे देख लेना बाकी यहाँ सभी लोग और तुम रजे नहीं खा के क्या हाँ चलो हो गया अंजलि बस कर तारीफ पे तारीफ फुलके पे फुलका फुलके पे फुलका खाई जा रही है इस तरह से रुक जाओ हाय तो अभी आ गए हम अपने बैरक में मतलब अपने रूम में वापस और हाँ यहाँ पे हमारे बिल्ली आती है रात को हमारे को डरा रही थी मैं कहा बिल्ली नहीं आई थी रात को इधर डराती थी। मैंने पूछा उसको मैं कहा जा रही हूँ फिर वो रुक गई तो आपके साथ मैंने मतलब लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मतलब आपको मैं अपनी फर्स्ट ड्यूटी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि ड्यूटी में क्या क्या होता है और क्या क्या एडवांटेज मिलता है हम लोगों को क्या क्या डिसएडवांटेज है तो अभी वीडियो को एंड करने से पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं तो देखो यार अब देखो हम लोग एच पी पुलिस के मतलब कॉन्स्टेबल है तो हम लोगों को कहीं पे भी ड्यूटी के लिए भेज देते हैं तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है जो जो ब्लॉग्स देखते हैं कि जो मेरी पहली ड्यूटी है वो लगी थी चन्तपूर्णि माता मंदिर ऊना में तो वहाँ पर जो ड्यूटी के लिए हम लोग यहाँ से तीन रिजर्व गई थी मतलब सेवेंटी टू गर्ल्स के आसपास तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों की ड्यूटी लग जाती है कुछ लोग रिजर्व में होते कि अगर इन लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी ड्यूरिंग ड्यूटीज होती है तो उसकी जगह उनको रिप्लेस करते हैं तो कुछ लोग तो रिजर्व में रहते हैं उनका कुछ काम नहीं होता ज़्यादा बाकी जो हम लोग जिनकी ड्यूटी थी तो मैंने आपको बताया कि दो से छ मेरी ड्यूटी थी तो सुबह दो बजे से छः बजे तक सेम दिन में दो बजे से छः बजे तक तो शुरू के दो तीन दिन तो हम लोगों को पता ही नहीं लगा कि सुबह कब का बोरी रात कब का बोरी सच में क्योंकि हम दो से ड्यूटी देते थे फिर रेस्ट करते थे फिर सो के उठते थे फिर से दो से ड्यूटी देते थे फिर रेस्ट करते थे फिर रात के दो से छ उठते थे मतलब दो से छः के लिए ड्यूटी देते थे और जो मतलब ड्यूटी पॉइंट है वो हमारे रिहाइश रिहाइश होती है वो जगह जहाँ पर हमारे को ठहराया जाता है वो जगह वहाँ से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर थी तो वहाँ रात को हम लोगों को वो सफ़र पैदल चल के तय करना होता था और दिन में तो ऐसा होता था, था कि कोई ना कोई लिफ्ट दे देता था क्योंकि हम वर्दी में होते थे और लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं वर्दी वाले लोगों की उनको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि जब हम लोगों को कोई कोऑपरेट करता है हमारे काम के लिए तो जब पब्लिक हम लोगों के साथ कोऑपरेट करती है तो हम लोग ऑब्वियसली हम लोग भी पब्लिक के साथ हमेशा कोऑपरेट वाला ही व्यवहार बनाए रखते हैं तो वो चीज़ अच्छी थी तो इसको हम एडवांटेज बोल सकते हैं कि जब मतलब जनता पुलिस कर्मियों के साथ कॉपरेट करती है हर चीज में ना सिर्फ इस चीज के लिए बल्कि ड्यूटी पॉइंट पे भी ना मतलब जहां हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्दी जल्दी आगे बढ़े या जो कुछ भी करे तो लोग फॉलो करते हैं उस चीज को और ऐसी बात नहीं कुछ मूडी से लोग भी मिल जाते हैं हम लोगों को तो उनके साथ भी मतलब थोड़ा शांति से ही हम लोग पेश आते हैं कि नहीं आप प्लीज हमारी ड्यूटी को भी समझें तो इसके अलावा जो मतलब थोड़ी जो कठिनाइयाँ आई वो ये थी कि जब हम लोग पहले दिन ड्यूटी पहुंचे थे तो वहाँ पे एक तो रहने के लिए दिक्कत आ गई थी कि मतलब हम बहुत सारे लोग एक बहुत बड़े हॉल में थे और उस हॉल में वहाँ पे पानी भी नहीं था मतलब पहले दिन उसके बाद तो वहाँ पे पानी का भी अच्छा प्रबंध कर दिया था जो कि माईदास सदन धर्मशाला थी एक और ये होता है कि मतलब जब हमने किसी भी ड्यूटी में जाना होता है तो हमारा जो बिस्तर होता है वो हम लोगों को बिस्तर के अलावा सामान भी आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा बिस्तर के अलावा जो भी आपका सामान है कुछ भी आप लेकर जा रहे हो क्योंकि आप दस पंद्रह दिन वहाँ रहोगे तो आपका पूरा बिस्तर आपकी वर्दी आपको वर्दी प्रेस करने के लिए प्रेस इसके अलावा जो कुछ भी आप यूज़ करते हो सामान डेली का वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तो वो आपको खुद उठा के लेके जानी पड़ती है तो ये एक अच्छी चीज़ भी है कि आपको जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो आपको ना एक इंडिपेंडेंट बनाता है अब जैसे हम लोग हैं नए नए बच्चे ही हैं हम अभी तो तो बच्चे कैसे होते हैं कि हाँ किसी भी चीज़ के लिए मम्मी पापा पे पेरेंट्स पे अपने बड़े भाई बहनों पे उन पे निर्भर होते हैं तो ये चीज़ हमारे को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाती है अभी के लिए नहीं पूरी लाइफ के लिए अब आपने देखा होगा फोर्स के जो लोग होते वो तो मैक्सिमम लोग हैं अब हम लोग हैं तो हम लोगों के लिए यहाँ कोई मशीनें थोड़ी लगी है कि हम कपड़े धोएंगे उसमें हम खुद से अपना सारा काम कर रहे हैं खुद से वर्दी प्रेस कर रहे हैं खुद से हर चीज़ कर रहे हैं तो हाँ मतलब हम लोग एक तरह से इंडिपेंडेंट भी है और अपना काम खुद करने वाले भी बन गए इतना भारी सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना सेटिंग करना उसको फिर वापस लेके आना थोड़ा सा हेक्टिक है लेकिन इसके लिए हमारी मतलब ट्रेनिंग हुई, हो रखी है फिर वही बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि दिन में तो चलो ड्यूटी लगती है लेकिन जो रात में ड्यूटी लगती है तो वो अकेली लगती है क्या मतलब गर्ल्स की ड्यूटी क्या रात में अकेले हम लोगों को जाना पड़ता है तो ऐसा नहीं है ऐ, हर लड़की के साथ इवन लड़के के साथ भी जो नाइट में ड्यूटी होती है हो, किसी का भी पॉइंट अकेला नहीं होता कि हाँ वही इंसान वहाँ पे ड्यूटी दे रहा है या वही जवान एक ही जवान एक जगह पे ड्यूटी दे रहा है वहाँ पे हम लोगों के साथ बहुत सारे और होम गार्ड के जवान भी थे जो कि काफ़ी सीनियर थे उनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा भी तो ऐसा नहीं है कि अकेले आपको कहीं पे भी ड्यूटी देनी पड़ती है आपके साथ एक पूरी टीम होती है जब भी ऐसे कहीं बाहर ड्यूटी जाते तो अभी तक का एक्सपीरियंस यही था काफी अच्छा लगा ठीक था और जो फ्री टाइम था उसमें हम लोग घूमने चले जाते थे हालांकि उस वजह से हमारी नींद नहीं पूरी हो रही थी और मतलब जो भी नवरात्रि ड्यूटी थे वहां पे तो हम लोगों को खाना मिल रहा था क्योंकि लंगर लगा रखे थे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने अपनी श्रद्धा से तो हम लोग वहीं पे खाना खा लेते थे अदरवाइज खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है बाहर ड्यूटी जाने पर तो ये चीज़ थोड़ी सी ऐसी लगी कि कि मतलब जब भी हम कहीं बाहर ड्यूटी जाते तो आजकल की जो महंगाई है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो खर्चा बहुत हो जाता है हाँ अगर आपके साथ हमारे साथ हमारा मैस जाता है तो हमारा खर्चा नहीं होता है खाने पीने का भी क्योंकि हम लोग मैस के पैसे एंड में जमा करते हैं हर मंथ जो कुछ भी हमने पूरे महीने खाया होता है उसका लेकिन अगर हम लोगों को बिना के जाना पड़े और बाहर खाना पड़े तो बाहर बहुत ज्यादा महंगाई है बहुत ही ज्यादा तो मतलब बहुत खर्चा हो जाता है तो बस यही एक्सपीरियंस था जो कि हमने फर्स्ट ड्यूटी में किया और भी कुछ आपको लग रहा हो कि हाँ किस किसी भी पॉइंट पे कि उस समय क्या हुआ होगा या किस तरह से क्या हुआ होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे वो क्वेश्चन लिख के भेज सकते हो तो आई होप आपको वीडियो और ब्लॉग पसंद आया हो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर एक लाइक और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जय हिंद